हे फ्रेंड्स, तो डीएम डिज़ाइन का ट्यूटोरियल आ चुका है, तो वीडियो को स्टार्ट कर दे गाइस। तो गाइस कुछ आप लोग को इस हिसाब से बैठ के फ़ोटो खिंचा लेना है, क्योंकि आप लोग को दूसरे बैकग्राउंड पे डालना है, यानी कि रिस्पेक्ट फॉर मदर नेचर वाले बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट पे डालना है आप लोग को। तो ये भी जो फ़ोटो है, ये मैंने ये फ़ोटो जो है डीएम डिज़ाइन के ही इंस्टाग्राम से पिकअप किया हुआ है। तो गाइस मैं फ़ोटो क्रॉप कैसे करता हूँ, पहली बात तो उसका वीडियो आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो जाके ज़रूर से ज़रूर देख लेना। आप लोग एकदम ऐसा परफेक्ट हाई क्वालिटी का जो है क्रॉप फ़ोटो कर सकते हो, और एकदम काफ़ी अच्छा है ये। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं 4x5 के इसके फ्रेम साइज़ में। तो ये ब्लैंक बैकग्राउंड है जैसे कि आप लोग देख सकते हो, और इसको मैं करने वाला हूँ यहाँ से पिक्सआर्ट के अंदर शेयर। और जैसे कि शेयर कर लूँगा मैं, तो यहाँ से मैं चले जाऊँगा ड्रॉ टूल के अंदर, और ड्रॉ टूल में जाने के बाद यहाँ से मैं लेयर पैनल को कर लेता हूँ ऑन। एम्प्टी लेयर से मैं ऐड फोटो करूँगा, तो पहले उससे पहले मेरे को फ़ोटो लेयर लेना है। तो ये बैकग्राउंड मैं यहाँ पे फ़ोटो लेयर लेके ऐड कर लेता हूँ, और ऊपर का जो एम्प्टी लेयर है उसको हम लोग ऊपर रहने देंगे, और जो फ़ोटो लेयर है उसको नीचे कर देंगे और उसको मर्ज कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा जो बैकग्राउंड है ऑलरेडी बना हुआ है, तो आप लोग को जस्ट फ़ोटो को जो इरेज करना है, और आप लोग को यहाँ पे कुछ इस हिसाब से सेट करना है। तो यहाँ पे आप लोगों का ज़्यादा मेहनत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो हम लोग को मिल रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड हम लोग को ऑलरेडी मिल रहा है यहाँ पे। और जस्ट आप लोग को यहाँ पे जस्ट बैठना है, और यहाँ पे कलर टोन मैच करना है। तो आप लोग कुछ इस हिसाब से यहाँ पे बिठा के खिंचा लेना। तो ये जो है एकदम स्ट्रेट एंगल से निकाला हुआ है 0 डिग्री से, यानी कि आप लोग को लो एंगल से या हाई एंगल से किधर से भी निकालना नहीं है, जस्ट डायरेक्ट आप लोग को बीच में ऐसा बैठ के खिंचा लेना है। और यहाँ पे मैंने एक PNG यूज़ किया है शैडो के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई शैडो नहीं था ऐड करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे शैडो यहाँ पे डाल दिया है जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो शैडो मैंने काफ़ी डार्क रखा है, क्योंकि ये जो बैकग्राउंड है थोड़ा सा डार्क है, ये ऊपर की तरफ का जो है काफ़ी लाइट है। तो यहाँ पे जो फेड वाला आप लोग को शैडो दिखता रहेगा बैकग्राउंड के बाहर, तो मेक श्योर आप लोग उसको इरेज कर लेना। तो उसके लिए आप लोग को फेड वाला ब्रश यहाँ पे यूज़ करना है। तो जैसे कि आप लोग ब्रश यहाँ पे इरेज कर दोगे, तो एकदम बढ़िया सा दिखने लगेगा, मतलब शैडो भी हमारा ऐड हो चुका है। तो इसको हम लोग मर्ज कर लेते हैं, और मर्ज करने के बाद यहाँ से आप लोग को और एक एम्प्टी लेयर क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे मून डालना है। तो यहाँ पे मैंने एक एम्प्टी लेयर क्रिएट करके ऐड फोटो कर लिया। अब ये जो मून की PNG है, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिग्री में एंगल में रोटेट कर लेता हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ये बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। तो इसको थोड़ा सा हम लोग मीडियम साइज़ रख के ऊपर की तरफ सेट कर लेते हैं, और इसको डन करके ब्लेंड करके स्क्रीन कर लेंगे। तो यहाँ पे मून का PNG यहाँ पे लाइट में कन्वर्ट हो चुका है, इसको मर्ज करके 3 डॉट्स इमेज को सेव कर लेते हैं। और गाइज एक बार गैलरी में हम लोग रिव्यू देख लेंगे कि हमारी इमेज कितनी क्वालिटी की हाई बनी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो काफ़ी हाई क्वालिटी की बनी है, शार्प है एकदम है, और इसकी जो डिटेलिंग आप लोग देख सकते हो 2.52 MB की बनी है, जबकि ये इंस्टाग्राम से पूरा सेव किया हुआ फ़ोटो है, और यहाँ से हील किया हुआ बैकग्राउंड है। तो आप लोग को एकदम काफ़ी मतलब ईजी पड़ेगा, आप लोग को बैकग्राउंड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट आप लोग बिठा के खिंचा सकते हो। तो हम लोग गाइस लाइट रूम में आ चुके हैं गाइस, क्योंकि इसको लाइट रूम में शेयर करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आर्टिस्टिक्स के काफ़ी सारे इफेक्ट है, जो आपके जो मॉडल का जो बैकग्राउंड का कलर है वो आप लोग यहाँ पे मैच कर सकते हो, यानी कि फ़ोटो और जो कलर टोन है वो आप लोग मैच कर सकते हो इसमें, तो एकदम फ़ोटो रियलिस्टिक सा लगेगा। तो यहाँ पे मैं आर्टिस्टिक 2 सजेस्ट करूँगा, क्योंकि आर्टिस्टिक 2 का आप लोग पिंक और पर्पल ब्लू कलर का कलर मिक्सचर टोन है, तो आप लोग ये कलर मेक श्योर यूज़ करोगे। उसके बाद जैसे कि डन करके आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे बेसिक एडजस्टमेंट कर लेना, मेक श्योर आप लोग यहाँ पे जो हाईलाइट होता है उसको आप लोग माइनस रखोगे, कॉन्ट्रास्ट को माइनस रखोगे, एक्सपोजर आप लोग अपने हिसाब से बढ़ा लेना, बट ज़्यादा ब्राइटनेस मत कर देना इमेज में। और जो वाइटनेस होती है, वाइटनेस को आप लोग को आगे की तरफ रख लेना है, ताकि जो आपका मॉडल का जो शर्ट है या टी शर्ट पहना होगा वो आपका काफ़ी हाईलाइट आप लोग को दिखने मिलेगा यहाँ पे, अगर वाइटनेस आप लोग बढ़ाओगे तो। और मिक्स कलर में मैं आप लोग को सजेस्ट नहीं करूँगा, अगर आप लोग कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो ही करना, अदरवाइज नहीं करना, फ़ोटो आप लोग की ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पे शार्पनिंग जैसे कि आप लोग को पता है मैं 20 रखता हूँ, तो इसको भी यहाँ पे 20 रख के डन कर लेंगे। तो यहाँ से फ़ोटो हो चुकी है हमारी रेडी, तो फ़ोटो को कर लेते सेव। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो गाइस सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं डेली वीडियोस ऐसे ही लाते रहता हूँ। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।